पटना सिटी अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस ने जुआरियों और शराबियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के खजूर बन्ना इलाके में चलाए जा रहे गेसिंग सेंटर पर छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां से पुलिस ने 5,800 नकद रुपए, मोबाइल, कैलकुलेटर समेत गेसिंग कूपन बरामद किया है। पुलिस की माने तो गेसिंग सेंटर चलाने वाले लोग भोले भाले लोगों को रुपए दुगना करने का विश्वास दिलाकर गेसिंग सेंटर पर उनसे पैसे ऐंठते हैं। वहीं गेसिंग सेंटर पर छापेमारी के दौरान कई लोग भाग निकले, जबकि 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है तथा अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देखिए, लगातार शिकायत मिलते रहती है कि कहीं लोग जुआ खेल रहे हैं, खिलवा रहे हैं, तो उसी क्रम में बीच में हम लोग के द्वारा छापेमारी की जाती है। तो उसी क्रम में आज सूचना मिली थी कि खजूर बन्ना में कुछ लोग जुआ खिला रहे हैं, तो वहाँ पर रेड किया गया तो कई लोग भाग गए। 9 लोग जो जुआ खेलते हुए और खिलाने वाले लोग पकड़े गए हैं और कुछ पैसा भी और जुआ का पुर्जा भी बरामद हुआ है। तो ये सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और FIR वगैरह आगे भी कार्रवाई की जा रही है। सर, मंगलवार की सुबह जो है अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार इलाके में बेदर्दी अपराधियों द्वारा दर्दनाक मौत मारी गई है, सर क्या पूरा मामला है इसके बारे में? वो जो गोलू कुमार की जो हत्या का मामला है, वो बेसिकली जो 5-6 लोगों का नामजद किया गया है इस केस में, और ऐसा आरोप है कि इनके द्वारा इन लोगों को उठाया गया जो आरोपित हैं इनके द्वारा, और इनको ले जाके मार मार के इनकी हत्या कर दी गई है कुमार। तो अभी तक जो बात आई है कि जो मृतक हैं वो पूर्व में मोटरसाइकिल चोरी के जो आरोप में जेल भी गए हुए हैं, और जो आरोपित लोग हैं उन लोगों में भी कई लोग जेल गए हुए हैं हत्या के केस में, लूट के केस में, चोरी के केस में। तो जो अभी तक सूचना मिली है उसके अनुसार उन लोगों को शक था कि उनका एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, उनको शक था कि इन्हीं के द्वारा, गोलू कुमार के द्वारा ही वो चोरी की गई है, तो उसी में शायद उससे मारपीट किया गया है जिसके क्रम में उसकी मौत हो गई। सर, मामला यदि परिजन तो कह रहे कि कर्ज लिया था, उसी कर्ज को चुकाने के जो भी बातें आई हैं अभी तक हमने आपके द्वारा बताया, अलग अलग तरह का अलग अलग आरोप है, अभी तक जो बात आई है ये इस तरह की बात आई है, बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन। सर, इस तरह का सही होगा वो इस पर कार्रवाई होगी। इस तरह का जघन्य अपराध है सर, पुलिस इसको किस रूप में लेती है? इसको तो हम लोग काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, FIR भी दर्ज किया गया है, जो आरोपित हैं वो पूर्व में भी केस में एक्यूज रहे हैं, तो उन लोगों को किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। सर, परिजनों द्वारा लगातार आरोप रहा कि हम लोग लगातार पुलिस को सूचना देते रहे, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्य नहीं किया जिसके कारण हत्या हो गई। ऐसा तो कोई बात नहीं है, इनके द्वारा जो भी जिस समय भी सूचना प्राप्त हुई उसी समय उस पर कार्रवाई की गई है। क्या आगे क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है? देखिए, FIR कर दिया गया है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, उसके बाद जो भी आरोपित हैं उन लोगों के लिए गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है। उसकी मौत कैसे हुई है, चाकू लगने से मौत हुई है या फिर पीट पीट कर मरने? देखिए, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अभी इसमें किसी की गिरफ्तारी? अभी किसी की गिरफ्तारी? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।